as per sources, the Madhya Pradesh BJP chief V.D. Sharma has spoken on the list of the BJP candidates. The state BJP chief has said that the party will be releasing the list in the next couple of days. The Madhya Pradesh BJP has also held a meeting to discuss this. On the telecast with me to give details about this is Vaibhav Gupta. Vaibhav, what's the development? What is the news coming in from Madhya Pradesh? We were getting to know that Shivraj Singh Chauhan may be contested from Vidisha. बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो रायशुमारी की गई थी और शिवराज सिंह चौहान का नाम भोपाल और विदिशा लोकसभा सीट से तय किया गया था। फिर वो दिल्ली पहुंचा था, सीसी की बैठक में भी इनका नाम दिया गया था। हम ज्योतिराज सिंधिया की बात करते हैं, सिंधिया का नाम भी दो लोकसभा सीटों से गया था, गुना और शिवपुरी, गुना से और ग्वालियर से। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से लड़ना चाहते क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें यहीं से हार मिली थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की बात की जाए तो उनका नाम भी रायशुमारी में आया था, उनका नाम भी भोपाल लोकसभा से गया था, उसके साथ ही खुजरा लोकसभा से गया। लेकिन जिस तरह का सीसी की बैठक का जो सोर्सेस से मिल रही है वो यही है कि भोपाल से जो सांसद है मानव्या सिंह, उन्होंने जिस तरीके से विवादित बयान दिए थे और विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने मेहनत की थी, जिस तरह से बयान दिए थे, तो भारतीय जनता पार्टी उनको भोपाल से लोकसभा का टिकट दे सकती है। इसके साथ ही बीडी शर्मा को लेकर भी जो जानकारी मिल रही वो यही है कि खजुराहो सीट से उन्हें पार्टी मौका दे सकती है। खजुराहो सीट वही है जहां इंडिया गठबंधन ने सपा समाजवादी पार्टी को वो सीट दी है, मतलब खजुराहो सीट से कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ेगा। और गुना से जो खबर आई है वो यही है कि गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया जाएगा। आज बीडी शर्मा से सवाल भी किया गया था कि कल बैठक हुई है, देर रात तक एक बैठक चली है, तो नाम कब तक आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज या कल में बीजेपी मध्य प्रदेश की 5 से 6 लोकसभा सीटों को लेकर नामों की घोषणा कर सकती है। ओके, ऑलराइट। यहाँ पे आप हमें ये भी खबर बताइए, ये जो कमिटी मीटिंग हुई है यहाँ पे जो 100 कैंडिडेट्स के नाम उभर के अभी तक आए नहीं है, स्पेकुलेशन राइफ है, तो शिवराज सिंह चौहान अगर देखे जाए उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया मध्य प्रदेश का, लोकसभा के इलेक्शन लड़ाए जाएंगे क्या वो कैबिनेट सीट, इस समय उनका गोल तो ये होगा, क्या उन्हें कैबिनेट सीट मिल सकती है या नहीं? कोशिश तो यही रहेगी शिवराज सिंह चौहान की, क्योंकि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा था, जब तक मुख्यमंत्री पद के नाम की घोषणा होनी थी तब भी शिवराज सिंह चौहान का ही नाम आगे था। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि मोहन यादव को कमान दे दी गई, जो कि उस समय जो बैठक चल रही थी प्रदेश भाजपा कार्यालय सबसे लास्ट में बैठे हुए थे, तो उसके बाद से विधानसभा भी बहुत कम आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर उनका नाम आ गया है तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि सामंजस्य बैठाने की कोशिश केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा की जा रही है कि शिवराज सिंह चौहान को उनके कद के हिसाब से पद दिया जाए। तो अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, तो केंद्रीय मंत्री पद के दावेदार वो जरूर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग अस दोस डिटेल्स। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स YouTube चैनल, हिट द बेल आइकन।